अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। इलेक्ट्रिक ऑलराउंडर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम जो वीडियो आपके लिए ले गए हैं वो है हमारे पास छोटा सा पैनल, छोटा सा बोर्ड है। ये हमारी अपनी वर्कशॉप का है जो कि मैंने खुद बनाया था। इसका एक जो सर्किट है वो है पैरेलल में और दूसरा जो ये वाला सर्किट है ये है सीरीज़ में। इसके ऊपर दो साकटें लगी हैं और साथ दो स्विच लगे हुए हैं। यहाँ ऊपर दो स्विच हैं, नीचे दो साकटें हैं, यहाँ पर दो इंडिकेटर लगे हुए हैं। सीरियस के साथ स्विच की कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मेरे पास जो बोर्ड था उसके ऊपर मैंने एक स्विच इसलिए लगाया था कि इसका जो इसको फिल भी करना था, मैंने पूरा भी करना था, इसलिए मैंने इसके ऊपर स्विच लगाया। अगर आप लगाएं ना लगाएं वो आपकी मर्ज़ी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन करें ताकि मेरी आने वाली मज़ीद अच्छी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। ये मेरे पास ये देखिए सेंटर में मीटर के लिए मैंने जगह बना के रखी थी, मीटर लगाया हुआ है। तो इसके कनेक्शन मैंने आपको इंशाल्लाह समझाने हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये देखिए मेरे पास ये बल्ब जो है ये सीरीज़ में 100 वाट का है और ये जो बल्ब है ये 200 वाट का है। ठीक है जी, ये 200 वाट का बल्ब है और ये 100 वाट का बल्ब है। इसके ऊपर मैंने ये साकट जो है ये 100 वाट पर रखी हुई है। ठीक है जी, और ये जो साकट है मेरे पास ये 200 वाट पर मैंने रखी हुई है। ये 200 वाट का बल्ब है। उसके बाद ये देखिए इसके बाद ये स्विच इस पैरेलल के साथ है और ये स्विच इस पैरेलल के साथ है। ये डायरेक्ट स्विच साकेट में आएगा। तो ये ऊपर मैंने इंडिकेटर दो लगाए हुए हैं, ये वैसे ही शोमेट के लिए लगाए थे, मैंने कहा खूबसूरती ज़्यादा बने बोर्ड में। तो अभी इसको मैं आपके इंशाल्लाह कनेक्शन समझाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको कनेक्शन समझ जाएंगे। अगर समझ जाए तो मैं वीडियो के आखिर में कनेक्शन का एक डायग्राम मैं बना के भेज दूँगा, आप वो भी चेक कर सकते हैं, वो भी साथ लगा दूँगा, टच कर लूँगा मैं वीडियो के साथ, वो भी आप देख सकते हैं। फिर वहाँ से आप स्क्रीन शॉट ले कर तो फिर इसको आप देख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये देखें मेरे पास ये सीरीज़ की जो साकटें हैं ये यहाँ पे दो सीरीज़ की स्विच मैंने रखे हुए हैं। सबसे पहले आपने फेज़ ले लेना है या न्यूट्रल ले लें, जो भी ले लें आपकी मर्ज़ी। क्या करना है आपने कि सबसे पहले अगर आप न्यूट्रल लेते हैं तो न्यूट्रल आपने यहाँ से होल्डर की एक साइड पर लगानी है, उसी साइड से जहाँ से आप जहाँ पर आपने लगाई है वहाँ से निकाल कर आपने दूसरे होल्डर को ले कर जानी है। ठीक है जी, होल्डर को लगाने के बाद आपने वहाँ से निकाल कर यहाँ पर नीचे साकट को ले आनी है इधर। ठीक है जी, इस साकट को न्यूट्रल आपने दे दी और यहाँ से निकाल कर आपने यहाँ पे दे दी। ठीक हो गया, ये आपकी न्यूट्रल यहाँ पे ख़त्म हो गई है। आपकी न्यूट्रल सिर्फ यहाँ से देखें आपने होल्डर को दे दी, होल्डर से निकाल कर दूसरे होल्डर को दी। अब दोनों होल्डर का एक एक टर्मिनल बाकी है। ठीक है जी, दोनों होल्डर का एक एक टर्मिनल बाकी रहेगा न्यूट्रल लगाने के बाद। वहाँ से आपने यहाँ साकट को दे देनी है, यहाँ से निकाल कर दूसरी साकट को दे देनी है। यह आपकी न्यूट्रल यहाँ पर ख़त्म हो गई, न्यूट्रल आपने दे दी। ठीक है, अब आते हैं फेस की तरफ। तो जो फेज़ आपने देना है सबसे पहले आपने क्या करना है, उस फेज़ को आपने यहाँ पे इस स्विच को दे देना है। ठीक है, इस स्विच से आपने दूसरे स्विच को भी शॉर्ट कर देना है, वहाँ भी दे देना है। ठीक हो गया जी, यहाँ से आपने स्विच क्या करना है, यहाँ से ऑलरेडी आपका फेज़ पहुँचाया तो आपने यहाँ से निकाल कर नीचे साकट को दे देना है, नीचे वाले पॉइंट पर। ये आपकी साकट जो है ये स्विच के साथ कम्प्लीट हो गई। अब आपने फिर इसी से भी ऐसे ही करना है कि नीचे वाले टर्मिनल से आपने फेज़ लगा कर सॉकेट के नीचे वाले टर्मिनल पे दे देनी है। ये आपका सर्किट यहाँ पे फूर हो गया। अब यहाँ से जो हमने ऊपर फेज़ दिया था आपने वहाँ से फेज़ को ले लेना है, फेज़ को लेकर आपने यहाँ पे दे देना है स्विच को। ठीक है जी, स्विच से आपने दूसरे स्विच को भी लूप लगा देनी है, वहाँ भी आपने फेज़ दे देना है। ये आपका फेज़ यहाँ पर आगे ख़त्म हो गया। अब आते हैं सीरीज़ की तरफ। जब हम सीरीज़ की तरफ आएँगे तो सीरीज़ में आपने स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में आपने दे देना है यहाँ पर इसको, दूसरे स्विच से आपने दे देना है यहाँ पे इधर नीचे वाले साकट के नीचे वाले पॉइंट पे। ठीक हो गया जी, उसके बाद आपने दे देना है यहाँ से निकाल कर आपने होल्डर के एक साइड पे दे देना है 100 वाट में दे देना है और दूसरी साकट से आपने जो टर्मिनल ऊपर वाला आपने दे देना है 200 वाट में। ठीक हो गया जी, अब ये देखें, अब ये मेरी साकट मैंने यहाँ पर ये शॉर्ट की हुई है, अभी इसमें मैंने लगाए हुए टर्मिनल एक लूप लगाई हुई है छोटी सी। अभी इसको मैं ऑन करता हूँ, ये देखिए मेरा बल्ब जल गया। अगर घर में कोई चीज़ ख़राब हो जाती है उसको टेस्टिंग के लिए हमारे पास सीरीज जिल्ड की अच्छी ज़रूरत होती है जो हमें हर हाल में अपने पास रखना होता है। तो इसके लिए आपको ये ऐसे बनाना होगा इंशाल्लाह और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। ये देखिए ये हमारा 100 वाट का बल्ब है, ये हमारा बल्ब ख़त्म हो गया यहाँ पर। ये हमारा 200 वाट का, इसको मैंने 200 वाट पर रखा हुआ है। ये जो साकट है ये 200 वाट की, ये देखिए मैंने अभी निकाल दिया, ये बंद हो गया। ठीक है जी, जब आप लीड लगाएंगे सीरीज लीड लगाएंगे तो आपस में जब आप दोनों तारों को आपस में टच करेंगे तो आपका बल्ब इंशाल्लाह जल जाएगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह मैं इसका डायग्राम वीडियो के आखिर में वीडियो के साथ टच कर लूँगा तो आप वो भी चेक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको वहाँ पर अच्छी तरीके से पसंद आएगी। ये देखिए ये मेरे पास सीरीज लीड है,
ये लीड है मेरे पास, अभी मैं इसको चेक करूँगा। ये देखिए ये आ गया यहाँ पे। अब ये देखिए मैं इनको आपस में टच करता हूँ, ये बल्ब जल गया 200 वाट का। अब इनको निकाल लेना है, मैंने इसको भी निकाल लेता हूँ। ये देखें ये यहाँ पे मैंने अभी 100 वाट में लगा देना है। ये देखा आपने, ये भी रोशन हो गया, ये भी हमारा काम करने लग गया। इसमें आपको स्विच लगाएं ना लगाएं वो आपकी मर्ज़ी, ठीक है ना। मैंने बोर्ड को फिल करना था इसलिए मैंने ऊपर दो स्विच लगा दिए थे। अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ना लगाना चाहते तो भी आपकी मर्ज़ी। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन कर दें, ताकि मेरी आने वाली मज़ीद अच्छी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।